Hey, hello gamers, welcome back to another new video of Gas Station Simulator. Last episode में gamers आपको याद होगा हम लोगों ने एक नया गैस स्टेशन ओपन करा है, टाइडल वेव डीएलसी है ये, जहाँ पे हम लोग समंदर किनारे बोट्स को फ्यूल देते हैं। जैसे कि एक अंकल जी आए हैं अपनी बोट लेके, तो सबसे पहले जाके आज मैं उनको फ्यूल देने वाला हूँ और उसके बाद हम लोग कुछ नए फ्यूल डिस्पेंसर्स अपने शॉप में लगाने वाले हैं। तो ये फ्यूल को बोट को फ्यूल दे देते हैं, काफ़ी सारा फ्यूल चाहिए इनको। डन, और इसने टिप भी दिया $2.74 का, $2.74 जो भी है। और अभी यहाँ से मैं वापस अपने शॉप के अंदर आता हूँ, तो भाई यहाँ पे तो ऑलरेडी दो लोग आ चुके हैं। हेलो, वेलकम वेलकम। और वैसे भी आज के एपिसोड में मुझे काफ़ी सारा नया सामान भी अपने शॉप के अंदर ऑर्डर करवाना है। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच। एक बॉडीगार्ड आया है। ओ वेट, इसको एक ड्रिंक चाहिए, एक कलर का, वो मिला नहीं। बट लास्ट एपिसोड में आई थिंक मैंने कुछ ड्रिंक्स ऑर्डर करे थे। हाँ यार, इनको मैं ना रखवा देता हूँ। अच्छा, अभी मुझे याद आ गया। और यहाँ पे भी मैंने थोड़े से स्नैक्स ऑर्डर करे थे, इनको भी रखवा देते हैं। परफेक्ट, तो मैंने सारे स्नैक्स रखवा दिए। हर एक चीज़ मेरे को रखवानी पड़ेगी, ठीक है, अलग अलग वैरायटीज़ के प्रोडक्ट्स। तो इसने कुछ यहाँ पे पॉपकॉर्न लिए हैं, मे बी ये लोग पार्टी करने वाले। थैंक यू सो मच सर। अच्छा, मैंने अनलॉक हो गया, ओके। और अभी मेरे को लास्ट टाइम ना यहाँ पे इन्होंने बोला है मेरे को एक फ्यूल डिस्पेंसर बाय करने का है, तो आज के एपिसोड में मैं सबसे पहले वही करने वाला हूँ। बट फ्यूल डिस्पेंसर आई थिंक हम पीसी से ही बाय कर सकते हैं, एक बार मैं देखता हूँ। तो हम बोट्स को भी फ्यूल देंगे और कार्स को भी फ्यूल देंगे, ऐसा सीन है। तो ये गैस स्टेशन 2, ओके, मैं 2 को अपग्रेड कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरे को टॉयलेट वगैरह मिलेगा, शेल्स मिलेंगे, स्कूबा डाइविंग, भाई एडिशनल फ्यूल डिस्पेंसर। बट सबसे पहले मैं यहाँ पे पार्किंग नहीं वही करते, ठीक है। एक सेकेंड, आई एम लिटिल बिट कन्फ्यूज। तो अपग्रेड्स में ही आते, सेकेंड गैस स्टेशन 250 में अनलॉक हो जाएगा। तो मैंने सेकेंड गैस स्टेशन का गाइस पार्ट अनलॉक कर लिया है, मतलब सामने वाला जहाँ पे अपना फ्यूल डिस्पेंसर है, आई थिंक यही से मेरे को मिलेगा ना। या यही है वो। और हमारा चुनचू मोनचू इज़ हैप्पी, भाई ये खुश हो गया। तो जैसे जैसे हम अपग्रेड करेंगे इस गेम के अंदर, हमारा चुनचू मोनचू खुश हो जाएगा, भाई अच्छी बात है, वो खुश है। तो हमने अभी अनलॉक कर लिया है, और यहाँ पे अपना फ्यूल डिस्पेंसर नहीं आएगा क्या? ओके, ये बस सामने की तरफ एक्सटेंड हो गया। फ्यूल डिस्पेंसर आई थिंक मेरे को खुद को ही बाय करके लगाना पड़ेगा। अभी हमारा जो गाइस गैस स्टेशन है वो लेवल 2 पे तो चला गया है, और यहाँ पे भी अपने में वेयर हाउस को अपग्रेड कर सकता हूँ, इससे हमारा फ्यूल कैपेसिटी बढ़ जाएगा। और मैं टॉयलेट को भी अनलॉक कर सकता हूँ $100 में। तो मैं एक टॉयलेट अनलॉक करने की सोच रहा हूँ, ये मैंने टॉयलेट को भी अनलॉक कर लिया, तो अभी लोग यहाँ पे ना टॉयलेट का वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये अपना प्यारा सा टॉयलेट आ गया, और हमारा वोल्केनो और थोड़ा सा काम हो जाएगा। जैसे मैं कुछ अपग्रेड्स करता हूँ, हमारा चुनचू मंचू भाई खुश हो जाता है, और मेरे को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। तो चुनचू मंचू भैया वापस ही खुश हो गए। तो अभी सबसे पहले मैं जाके देखता हूँ स्कूबा डाइविंग का क्या सीन है। मेरे को उसके अभी इक्विपमेंट्स बाय करने पड़ेंगे स्कूबा डाइविंग के। ऑर्डर स्कूबा इक्विपमेंट्स यूजिंग पीसी आफ्टर रिसीविंग द ऑर्डर, रिटर्न द इक्विपमेंट टू स्टैंड, ओके, एड द डिजायर्ड अमाउंट ऑफ इक्विपमेंट टू द स्टैंड इन केस ऑफ यूज बाई कस्टमर्स, ओके। तो मेरे को खुद ये ऑर्डर करने पड़ेंगे इक्विपमेंट्स, आई थिंक सूट्स वगैरह होंगे, तभी जाके मैं यहाँ पे रखवा सकता हूँ। एंड ये जो फ्यूल डिस्पेंसर बाय करने का है कार का, वो कहाँ से और कैसे बाय करने का मेरे को समझ नहीं आ रहा। और अब अपना स्कूबा डाइविंग का कहाँ पे आ गया, एक बार मैं देख लेता हूँ। वो ये रहा स्कूबा डाइविंग का गाइज। तो अब सबसे पहले स्कूबा डाइविंग में देखता हूँ क्या सीन है। तो अभी हमने ये वाला स्कूबा डाइविंग का गाइज नया एरिया अनलॉक करा है, भाई कितना बढ़िया है ना, गॉगल्स दे रखे हैं। और इसके अंदर पता नहीं क्या सीन है, आई थिंक यहाँ से आप स्कूबा डाइविंग के लिए जा सकते हो। एक आई थिंक यहाँ पे चेंजिंग रूम वगैरह है, ओके। तो अभी मुझे यहाँ पे आके सूट्स लगवाने पड़ेंगे, ओके। यहाँ पे तो ये यहाँ पे आई थिंक मैं सेट कर सकता हूँ क्या सीन है, मेरे को अभी समझ नहीं आ रहा। बट इक्विप्ड, ओके, लॉकर्स वगैरह भी यहाँ पे मैं लोगों को दूंगा, और ये गैस के बाटले वगैरह भी देने पड़ेंगे, और सूट्स भी देने पड़ेंगे, ओके ठीक है, मैं समझ गया। लेकिन अभी यहाँ से मैं वापस निकल लेता हूँ। आई थिंक ये लोग सारे स्कूबा डाइविंग के लिए जा रहे हैं, भाई बहुत सारा काम करना है यार। अभी मेरे को नया फ्यूल डिस्पेंसर बाय करना है, वो कैसे बाय करने का मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा। लेकिन अभी अपना ना एक बंदा आ चुका है फ्यूल पे, बोट की फ्यूल देना है, तो सबसे पहले मैं वहाँ पे चलता हूँ। अभी ना मुझे गाइस एक वर्कर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसका फ्यूल यहाँ पे इसको दे देते हैं, ठीक है। कम ऑन, डन, परफेक्ट। तो $46 मिल गए, और अपना चुनचुमानचू भैया बहुत खुश है भाई। पिक्चर्स ऑर्डर, हाँ ये आएगा अपना फ्यूल डिस्पेंसर, तो $250 में मेरे को फ्यूल डिस्पेंसर मिल जाएगा। बाय, ओके, मैंने बाय कर लिया गाइज एक फ्यूल डिस्पेंसर, लेट्स गो, ओके। तो अभी यहाँ पे कार्स भी आएंगी गाइज, जिनको हम अभी फ्यूल दे सकते हैं। बट अभी मेरे पास ना फ्यूल ही नहीं है, तो मेरे को फ्यूल ऑर्डर करना पड़ेगा। और अभी अपना नेक्स्ट चैलेंज है, अभी मेरे को 10 बोट्स को फ्यूल करवाना है, 10 कार्स को फ्यूल करवाने का है, और 10 कस्टमर्स को सर्व करने का, और स्कूबा ड्राइविंग के भी मेरे को इक्विपमेंट्स रेंट पे देने हैं। भाई बहुत सारा काम करना है यार। और ये अपना टॉयलेट, यहाँ पे मेरे को टॉयलेट भी आई थिंक लगवाना पड़ेगा।
ओह शेट शेट शेट, और मेरे पास अभी पैसे बिल्कुल भी नहीं है, क्या मैं लोन ले सकता हूँ? मैं गाइस कोशिश करने वाला हूँ ठीक है लोन लेने की, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे ना कचरा बहुत ज़्यादा हो गया, उसको थोड़ा सा साफ़ करते हैं गाइस, थोड़ा सा रुको बस, ओके और थोड़ा सा मैं क्लीन भी कर देता हूँ, बस थोड़ा सा रुको, फिर हम लोग ना सारी चीज़ें एकदम परफेक्टली कर देंगे। ओके क्लीनिंग हो गया, एंड अभी मैं ये यहाँ पे जो कूड़ा है इसको भी कलेक्ट कर लेते हैं ठीक है। ओके न्यू अचीवमेंट अनलॉक हो गया ये, और अभी मैं कूड़ा बाहर फेंक देता हूँ ठीक है, लेट्स गो। दो कस्टमर्स और आ चुके हैं, और ये कस्टमर्स भी ना काफ़ी सारे कंप्लेंट कर रहे हैं, उनको जो चीज़ चाहिए वो चीज़ नहीं मिल रही है, और एक गाड़ी भी आ चुकी है फ्यूल देने के लिए। अरे भैया एक बंदा इतने सारे काम कैसे कर सकता है, और मेरे पास अभी फ्यूल भी नहीं है, प्लीज़ 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 फ्यूल हो जा। परफेक्ट हो दे दिया मैंने इसको, ओके मेरे को थोड़े से पैसे मिल गए, स्वीट बिगेंस। तो अभी मेरे पास वापस से $76 आ गए, और इन लोगों ने थोड़ा सा सामान परचेस कर लिया होगा, उनको मैं एक बार भेज देता हूँ ठीक है। मेरे पास एटलीस्ट $100 तो आ जाए ताकि मैं $100 का फ्यूल ऑर्डर कर सकूँ, और मेरे को वो स्कूबा डाइविंग के भी इक्विपमेंट्स बाय करने हैं। भाई बहुत बिजी चल रहा है अपना बिजनेस, कस्टमर्स भी दुनिया भर के आ रहे हैं। ओके $14, इसने $1 का टिप दिया है, कम ऑन मैडम जी जल्दी से आइए, लेट्स गो। दो तीन, ओके $6 मिल गया, मेरे पास 97 आ गए। मेरे को लोन लेने की सोच रहा होगा इसमें, लोन या मैं लोन ले सकता हूँ, रिक्वेस्ट लोन कितने का होगा बट ये, ओके मैं अपने हिसाब से ले सकता हूँ $1000 का। ओके गाइज आई थिंक मैंने लोन ले लिया, ओके मैंने लोन लिया, और मेरे को अभी एक दिन के अंदर चुकाना पड़ेगा, आई शपथ। ओ माई गॉड, आई माई गॉड, ओके तो मैंने लोन तो ले लिया, तो अभी काम करते हैं, सबसे पहले फ्यूल ऑर्डर करते हैं गाइज। ओके वेट करो थोड़ा सा, फीचर्स में ना फ्यूल होता है, नहीं फीचर्स में नहीं डिलीवरी में फ्यूल सप्लाई, $200 का फ्यूल ऑर्डर कर दिया मैंने ठीक है। और अभी मेरे को वो स्कूबा डाइविंग के भी इक्विपमेंट्स बाय करने हैं, तो यहाँ पे आते हैं। तो ये स्कूबा डाइविंग का गाइज $20 का एक है, मैं कितने 3 ऑर्डर करता हूँ ठीक है, यही आई थिंक, तो ठीक है ये ऑर्डर करके देखते हैं। तो ये मैंने इसको ऑर्डर कर दिया, 3 स्कूबा डाइविंग के इक्विपमेंट्स, और आई थिंक इतना ही है। और अभी मैं अल्कोहल वगैरह भी बेच सकता हूँ, तो थोड़ी से अल्कोहल वगैरह एक एक ये पैकेट ऐड कर देता हूँ मैं ठीक है। और मेरे पास अभी फ्रिज नहीं है आइसक्रीम के लिए, तो मैं इतना ही ऑर्डर करूँगा ठीक है। अगर यार डिलीवरी ओके ऑलरेडी आई थिंक अभी एक डिलीवरी आने वाली है। तो गाइस ठीक है, अभी आपके भाई ने काफ़ी सारा पैसा मतलब लोन लिया है, ज़्यादा भी नहीं है वैसे, $1400 का ही है, बट अभी वो मेरे को चुकाना पड़ेगा, मेरे को एक दिन के अंदर वो लोन को चुकाने का है, वो जो कि हो ही जाएगा। एक बार अभी मेरे को स्कूबा डाइविंग के इक्विपमेंट्स वगैरह रखवाने दो, थैंक यू सो मच सर, वापस ज़रूर आइएगा, एक और गाड़ी आई है, बट अभी मेरे पास फ्यूल बहुत कम है, मैं इनको फ्यूल दे नहीं पाऊँगा सर, थोड़ा दूर रुको, थोड़ा देर रुको, एक साथ मैंने ना बहुत सारे अपग्रेड्स कर लिए, दैट्स वाई थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, बट एक सेकेंड सबसे पहले जाके मैं फ्यूल ये कर लेता हूँ। ये गाड़ी तो यार गाड़ी बहुत स्लो आ रही है यार, मतलब ये बोट इतना स्लो कहाँ है आ रही यार, जल्दी मेरे को फ्यूल दे दो यहाँ पे। और वैसे भी एक सेकेंड मेरे को ना सबसे पहले अपना वेयर हाउस खाली करने दो, उसके अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना वो मेरे को शेल्स के अंदर रखवाने दो, तभी तो वो फिल नहीं हो रहा है, तो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको सबसे पहले मैं यहाँ पे फिल करवा देता हूँ। वेयर हाउस सॉफ्ट ड्रिंक्स आई थिंक मैंने सारा रखवाया, फिर वहाँ पे कौन से बॉक्सेस हैं, अरे यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। और सबसे पहले इसको मैं शिफ्ट कर देता हूँ ठीक है, इसको पीछे की तरफ रखवाते हैं, नहीं अरे हाँ ये अपना शॉप बड़ा हो गया ना, अनलॉक हो गया, तभी मैं सोचूँ ये सामने कैसे आ गया, इसको यहाँ पे पीछे लगवाते हैं अभी ठीक है। लेट्स गो, हेलो सर कैसे हो आप, ये रहा स्कूबा डाइविंग, तो मैंने रखवा दिया यहाँ पे, बट अभी इसको रखवाना कैसे, आई थिंक मुझे स्कूबा डाइविंग के सेट पे जाके रखवाना पड़ेगा, हाँ मैं वहीं पे जा रहा हूँ, और कैश रजिस्टर पे भी कस्टमर आ चुका है, बट मेरे को सबसे पहले स्कूबा डाइविंग के पास जाने दो। ये कैसे रखवाएंगे हम लोग वहाँ पे, आई थिंक वहाँ पे कोई सीन है, कैसे रखवाना है भाई, यहाँ पे एक शेल बॉक्स है, ओ मैं इसके अंदर रखवा सकता हूँ, तो मेरे पास दो है ना, ऐड करते हैं। तो गाइज ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया आई थिंक, इसके अंदर आ गए क्या ये 1 2, ओके इतने ही है मेरे पास, तो कट कर दिया, इन यूज़, तो लोग अभी इसका यूज़ करेंगे, और यहाँ पे भी आई थिंक मुझे पैसे मिलेंगे, वैसे मुझे कितने पैसे मिलेंगे मेरे को कोई आइडिया नहीं है, एक बार मैं पानी के अंदर जाके देखूँ कहाँ पे स्कूबा डाइविंग हो रहा है। अरे भाई यहाँ पे तो मेरे को कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, बट ठीक है एटलीस्ट अपना स्कूबा डाइविंग काम तो कर रहा है ठीक है। अभी मैं वापस अपने स्टेशन पे चलता हूँ, अपना चुनचू मनचू थोड़ा सा गुस्सा हो गया है, 25% हो गया ठीक है, वो तो नॉर्मली है। एक और गाड़ी आई है, इसको सबसे पहले फ्यूल देते हैं, और भाई मुझे मेरे पास भाई बस 16 घंटे ही बचेगा इस फ्यूल देने के लिए, आई मीन यू नो लोन चुकाने के लिए, और काफ़ी सारे कस्टमर्स भी आ चुके हैं, सबसे पहले इनको सर्व करते हैं, लेट्स गो, वेलकम सर, डन,
ओके भाई, इसने काफ़ी सारा सामान लिया है और मेरे को ना अभी जो नया सामान था मेरे को वो ऑर्डर भी करना है। मैंने लास्ट टाइम ऐड टू कार्ट कर रहा था ना प्रोडक्ट्स में, कहाँ पे गया ये डिलीवरी प्रोडक्ट्स, हाँ ये कुछ सिगरेट्स ऑर्डर करते हैं, कुछ अल्कोहल और आइसक्रीम के लिए मेरे को भी फ्रिज बाय करना पड़ेगा जो कि मेरे पास नहीं है, तो इतना ही सामान अभी ऑर्डर करते हैं ठीक है। या मैंने कुछ सामान ऑर्डर कर दिया और भाई मेरे पास बहुत कम टाइम बचा है लोन को वापस रिपे करने में, मेरे को डर लग रहा है थोड़ा सा। इन भाई साहब ने काफ़ी सारा सामान लिया है, चार प्रोडक्ट्स लिए टोटल। वेलकम सर, ओके डन, थैंक यू सो मच। और अब आई थिंक कुछ लोग अपने बोर्ड पे भी है, मेरे को वहाँ पे फ्यूल देना पड़ेगा। भाई बहुत सारा काम मेरे अकेले को हैंडल करना पड़ रहा है, लेट्स गो। परफेक्ट तो हो गया ये, मेरे को $2 की टिप मिल गई। ओके और ऊपर से नहीं, ये मेरे को ना लग रहा है चुनचू मानचू गुस्सा हो गया, ये तो ऊपर से ही फ्लेयर नीचे गिर रही है। एक कस्टमर वापस से अपना फ्यूल स्टेशन पे आ चुका है, उसको जल्दी से मैं फ्यूल दे देता हूँ। भाई कितनी सारी गाड़ियाँ आ रही है अभी, ठीक है ये लो भाई, ये मैंने इसको फ्यूल दे दिया, डन परफेक्ट। सुपर फ्यूलिंग सुपरस्टार, नया मेरे को टैब मिल गया यहाँ पे। और ये जो टॉयलेट का सीन है ना, मुझे लग रहा है मेरे को गाइस यहाँ पे ना टॉयलेट ऑर्डर करके रखवाना पड़ेगा। और वैसे मेरे पास वापस से $800 आ गए, तो मैं एक बार देख लेता हूँ क्या मुझे टॉयलेट खुद बाय करके लगवाना है वहाँ पे। टूल्स ये लॉकपिक, या लॉकपिक बाय कर लेते गाइस, मेरे को ये चाहिए थी ताकि मेरे लोग ना थोड़ा सा मेरे को एक्स्ट्रा इनकम भी मिल सके यहाँ पे कोई। ओके गाड़ियाँ तो ऑलरेडी आ चुकी है गाइस, तो अभी अपना थोड़ा सा एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगा। ओके इसके, ओके यहाँ इसको डिकी है तो मेरे को ये पता है कैसे करते हैं, बस ना ये, अरे यार शिट मेरा माउस ठीक से काम नहीं कर रहा। ओके ठीक है, यस थोड़ा सा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हो गया। शिट पहला ही भाई पनौती लगी, वो कस्टमर चला गया। आई शपथ मेरे को बहुत गुस्सा आता है जब ऐसा होता है। ठीक है कोई नहीं, एक और गाड़ी आ चुकी है। मास्टर लॉक ओपन करना गाइस थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है मतलब देखना पड़ता है वो एग्जैक्टली कहाँ से मूव हो रहा है। यार नीचे, व्हाट द हेल, यस कस्टमर डाइड, अबे सीधा मर गया ये, व्हाट द। जो मैंने नए प्रोडक्ट्स ऑर्डर करे थे वो आ चुके हैं, सबसे पहले मैं इनको यहाँ पे उठा के रखवा देता हूँ। थैंक यू सो मच भाई, प्रोडक्ट्स आ गए और अभी जल्दी से जाके मैं इन प्रोडक्ट्स को रखवा देता हूँ। लोन चुकाने में बस 13 घंटे ही बचे गाइस, नहीं तो मेरे को ये आके गुंडे मार देंगे, मतलब मारा मारी हो जाएगी यहाँ पर खामखा। और एक नई बोट भी आ चुकी है तो इसको भी जल्दी से मैं फ्यूल दे देता हूँ। ये लो अंकल जी फ्यूल अपने पास है अच्छा खासा, परफेक्ट। उसने टिप भी दे दिया, आई एम सो हैप्पी, वो हैप्पी है तो मैं भी हैप्पी है। और कुछ कैश रजिस्टर पे कस्टमर आ चुके हैं, लेकिन उससे पहले कुछ नए मैं प्रोडक्ट्स यहाँ पे रखवा लेता हूँ जो मैंने ऑर्डर करे थे। स्नैक शेल, अरे यहाँ पे तो सामान ही नहीं दिखा रहा है, व्हाट द हेल। अरे सिगरेट्स के लिए अलग सा होता है क्या शेल, यार प्लीज़ ऐसा मत बोलो यार, भाई मेरे को नया ऑर्डर करना पड़ेगा फिर। अरे यार तो ठीक है, यहाँ पे टूल्स अपग्रेड्स, शेल कहाँ पे होता है मैं ना भूल जाता हूँ बीच बीच में। हाँ शेल्स सिगरेट के लिए और अल्कोहल के लिए, भाई ये तो एक ही है ना, सेम सेम ही दिखता है। ठीक है अलग है तो भाई अलग सा ही बाय करते, ठीक है 169 वाला मैंने एक बाय कर लिया। तो गाइज अभी मैंने एक और शेल बाय कर लिया है, ये अल्कोहल के लिए है और अल्कोहल हम ठीक है यहाँ पे रखवाते हैं, ठीक है साइड में रखवाएंगे एकदम, किसी को पता नहीं चलेगा। तो ये अल्कोहल का शेल यहाँ पे आएगा जस्ट लाइक दिस, एंड अभी इसके ऊपर मैं रखवा सकता हूँ। भाई मुझे पता ही नहीं था, मेरे को लगा एक ही इसमें सारा फुल हो जाता है। ठीक है कोई नहीं, अभी एक नए कस्टमर आ चुके तो इनको भी सबसे पहले मैं सामान दे देता हूँ। हेलो सर, ओके $0.54 का टिप दिया इसने, सेंट्स लेट्स गो। 2, 3, 4 ओके हैव अ नाइस डे यू टू ऑल्सो। बाहर एक गाड़ी आई है, इसको सबसे पहले फ्यूल देते हैं। ओ इसको काफ़ी सारा फ्यूल चाहिए, परफेक्ट टिप मिल गई। और गाइस अभी इस बार लॉक पिक का वापस यूज़ करते, ठीक है इस बार हो जाना चाहिए भाई। ओके ये तो बिगिनर है भाई, बिगिनर तो ईजिली हो जाता है। अरे क्यों नहीं हो रहा यार, ओके हो गया भाई, $7 मिल गए। ओके एक और, ओके ये मास्टर है, मास्टर थोड़ा सा मुश्किल होता है, एक बार ना प्रॉपर बस लोकेशन मिल जाए कहाँ से होने वाला ये। शिट लॉक पिक परफेक्ट, अबे हो गया ना,
अबे और कितना चाहिए, परफेक्ट हो गया था, आई एम सॉरी भाई मेरे एक और कस्टमर चली गई, बट ठीक है कोई नहीं, मेरे पास ओनली 10 घंटे ही बचे हैं, तो ठीक है अभी यहाँ पे मैंने ये कर दिया। एक कस्टमर आ चुका है बोट को फ्यूल करवाने के लिए और यहाँ पे सामान रखवाने के लिए। ओके मेरे को और आई थिंक शेल्स बाय करने पड़ेंगे, तो एक काम करते वापस बोट के पास चलते हैं, वहाँ पे मैं फ्यूल दे देता हूँ। और मेरे पास ओनली $800 ही बचे, मेरे को $1400 का लोन चुकाने का है, तो इसको सबसे पहले फ्यूल दे देते हैं। डन, ओ थोड़ा सा एक्स्ट्रा चला गया, ओके ठीक है कोई नहीं। और अभी मेरे को 6 बोट्स को ऑल फ्यूल करने का है, 5 कार्स को ऑल फ्यूल करने का है और कस्टमर्स बस 10 फ्यूल करवा सर्व करवाने का। और वो स्कूबा डाइविंग का भी कंप्लीट हो गया आई थिंक, या स्कूबा डाइविंग का भी गाइस कंप्लीट हो गया, वहाँ पे एक ही गियर लोग बार बार यूज़ कर सकते हैं। मेरे को लगा कि भाई एक बार में ही एक पूरा यूज़ हो जाएगा। और स्कूबा डाइविंग भी, बट मेरे को कितने पैसे मिलेंगे ये तो मेरे को पता ही नहीं है, बताया नहीं गया मेरे को, पता नहीं। परफेक्ट, और वापस से 3-4 गाड़ी आ चुकी है, इस बार गाइस वापस कोशिश करते हैं, ठीक है प्लीज़ इस बार होना चाहिए, तो बिगेनर है, बिगेनर भाई मतलब इजी। या हो गया भाई, $6 मिल गए, ओके ये भी हो जाना चाहिए। कम ऑन, कहाँ से है, ओके इधर से तो नहीं है, ऊपर पूरा घुमा के लेके जाना पड़ेगा। ये मास्टर लॉक होता है ना गाइस, थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट एक बार थोड़ा सा हो जाए ना मिल जाता है। ओके ये अभी हो जाएगा, देखो थोड़ा सा ऊपर, परफेक्ट ले भाई, $12 मिल गए। ओके यहाँ पे भी एक है, लेट्स गो गाइस, बहुत बढ़िया, यस लेट्स गो, और $8 मिल गए भाई, भाई बहुत बढ़िया। मेरे पास अभी वापस भाई $1000 आ गए, मैं लोन को थोड़ा सा गाइस पे करने की सोच रहा हूँ जो मेरे पास पड़ा है, ठीक है $700 गाइस मैं पे करने की सोच रहा हूँ, ठीक है यहाँ पे मैं एक्सेप्ट करता हूँ। ये मैंने $700 गाइस पे कर दिए, एटलीस्ट थोड़ा सा तो लोन चुकता कर दिया, और अभी काफ़ी सारे कस्टमर्स और आए, इनको सबसे पहले सर्व करते हैं, तो ऐसा मेरे को थोड़ा सा बीच बीच में लोन देना भी चाहिए। ओके $23, अभी बस कितने हैं, अभी 7 घंटे और बचे हैं और मेरे को $600 देने, आई थिंक अपना हो जाएगा। और वैसे भी यार फ्यूल का स्टेटस कम चला गया है, मेरे को थोड़ा सा नया फ्यूल भी ऑर्डर करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा मुश्किल है बट हो जाएगा। थैंक यू मैम, इसने 78 सेंट्स दिए मेरे को। भाई मेरे को ना अभी गाइस वर्कर्स की सीरियसली बहुत ज़रूरत है, एक साथ में इतने सारे काम हायर नहीं कर सकता, हम लोग ना नेक्स्ट एपिसोड में वर्कर हायर करेंगे, अभी तो नहीं क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं है। ओके इनका भी हो गया, एक और गाड़ी आई है बाहर, और स्कूबा डाइविंग के आई थिंक इक्विपमेंट्स भी ख़त्म हो गए, मेरे को ऑर्डर करने पड़ेंगे थोड़े से। परफेक्ट हो गया, इसको भी मैंने फ्यूल कर दिया, अभी बस मेरे को बोट्स को फ्यूल करवाने का है, कुछ कार्स तो लगभग मैंने बहुत सारे फ्यूल करवा दी। यहाँ पे एक और बोट आई है, इसको मैं सर्व कर देता हूँ जस्ट लाइक दिस, परफेक्ट भाई, टिप नहीं दिया इसने, ठीक है कोई नहीं। और मैं काम करता हूँ, ये स्कूबा डाइविंग का है ना गाइज, मैं थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूँ, ठीक है मैनेजमेंट में ना, हाँ स्कूबा डाइविंग गाइज थोड़ी देर के लिए बंद रहेगा, क्योंकि ना वहाँ पे बहुत सारे लोग आ चुके हैं और वहाँ पे मेरे पास रखने के लिए मतलब सामान रखने के लिए जगह ही नहीं है। टॉयलेट अपना ओपन है, पार्किंग स्पॉट ओपन है, गैस स्टेशन ओपन है, फ्यूल डिस्पेंसर भी अपना ये ओपन है, ठीक है मैंने अभी वहाँ पे भी ऑर्डर कर दिया। एंड अभी अपना फ्यूल लेवल भी ठीक ठाक ही है, अभी तक इतना ख़त्म नहीं हुआ नहीं है, अभी बस मेरे को कार्स को फ्यूल करने का है, जो टास्क बचा है उसको कंप्लीट करने का है, फिर अपना level 3 पे गैस स्टेशन चला जाएगा। और ये जो गाड़ी आई है, जब तक मैडम ऑर्डर नहीं देती तब तक थोड़ा सा यहाँ पे पैसे निकालते, ठीक है यस भाई $21, अरे भाई ये तो बहुत बढ़िया था, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी, जल्दी 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 भाई फ्यूल दे दो, परफेक्ट टिप भी दिया इसने $5 का, तो भाई अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। और अभी मेरे को लोन बस 5 घंटे बचा है, ठीक है, और मेरा फ्यूल स्टेटस अभी लो चला गया है। अरे यार मेरे को समझ नहीं आ रहा अभी मैं उस लोन का क्या ही करूँ, अभी मेरे को फ्यूल तो ऑर्डर करना ही पड़ेगा, ये इंटरमीडिएट लॉक है, इसको भी हम लोग खोल देंगे। ओके हो गया ओपन, अरे और कितना, लेट्स गो $17, ओके इसको तो खोल नहीं सकते, ये तो बिगेनर है, बिगेनर तो भाई चुटकी में ही ओपन हो जाता है, खुल जा भाई थोड़ा सा थोड़ा सा, खुल जा आई शपथ, ये ओपन, $8 और मिल गए। सो गाइज हो गया, $500 मेरे पास आ गए, मेरे पास अभी भी 5 घंटे हैं, $600 मेरे को पे करने के। सबसे पहले इस कार को ओपन करते, ठीक है भाई मेरे को इधर से अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं, ठीक है थोड़ा सा ऊपर नीचे, ओके डन 4 सेंट, ओके $4, दैट्स इनफ, मोर देन इनफ भाई, ठीक है ये भी मिल गया। और अभी इनको फ्यूल भाई दे देते थोड़ा सा, उतना तो होगा ही मेरे पास। पॉपकॉर्न थैंक यू,
$14. तो अभी बचा हुआ लोन भी गाइस पे कर देते, ठीक है। बट यार इतना थोड़ी होता है यार, मैं मतलब इतने जल्दी में थोड़ी से सारा लोन पे कर सकता हूँ। मैं $500 का लोन चुकाने की सोच रहा हूँ। एक्सेप्ट। तो अभी मेरे ऊपर बस $154 का गाइस लोन बचा है, और अभी मेरे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है। वो पैसे मैं इधर से मतलब फ्यूल ऑर्डर करने का मेरे को। भाई ये कान भी ओपन, आई थिंक इसको मैंने ऑलरेडी ओपन कर लिया। ओके इसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से तो मिल ही जाएंगे कुछ ना कुछ। ओके ओ शिट 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 कम ऑन शिट शिट सॉरी मास्टर था, थोड़ा सा गलत हो गया। और ठीक है कोई नहीं, ये कस्टमर यहाँ से चला जाएगा। परफेक्ट अचीवमेंट अनलॉक। ओके गाइज हो गया, मैंने उतने कार्स को जितना हमको चैलेंज मिला था हमने उतने कार्स को फ्यूल कर दिया है। अभी बस बोट्स को फ्यूल करवाने का है, और मेरे पास अभी $122 आ चुके हैं। और अब हमारा चुनचू मांचू भाई बहुत गुस्सा हो गया है, और उसको खुश करना पड़ेगा। आई शपथ भाई वो गुस्सा किसे हो गया। मेरे को गाइज जल्दी से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मैं ना लोन जल्दी से पे कर देता हूँ, मे बी लोन की वजह से ही वो गुस्सा हो गया है। लोन पे ऑफ $120, ओके पे ऑफ एक्सेप्ट। ओनली $32 का गाइस लोन बचा है, मेरे पास अभी बिल्कुल भी पैसे नहीं है। और चुनचू मांचू भैया भाई बहुत गुस्सा हो गया, मुझे लग रहा है फटने वाला है, फटने वाला है गाइस, डेफिनेटली फटने वाला है। देखो भाई उसमें से अभी आग निकल रही है। शिट 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 शिट, जल्दी से मुझे ना क्लीनिंग करवाना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा अपने शॉप को, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। मे बी ये लोन की वजह से ही गुस्सा हो गया है। अभी ना मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ क्लीनिंग वगैरह करने का, मे बी वो थोड़ा सा शांत हो जाए। आई एम सॉरी चुनचू मांचू, मेरे को डर लग रही है, ये लोन की वजह से ना पूरा झमेला हो गया यार। क्लीनिंग ही करके देखता हूँ मैं गाइस थोड़ी सी। भाई वो और गुस्सा हो रहा है भाई, मैं तो यहाँ पे साफ सफाई कर रहा हूँ भाई, गुस्सा क्यों हो रहा है। आई थिंक लोगों को सर्विस नहीं मिल रही है, दैट्स व्हाई। ओ नो गाइस वो फटने वाला है भाई, चुनचू मांचू फटने वाला है, मैंने देखा ही नहीं। मे बी क्लीनिंग की वजह से गाइस, थोड़ा सा मैं क्लीनिंग भी कर देता हूँ अंदर की तरफ। ओके बट यार यहाँ तो ठीक ही है। और वेट कुछ कस्टमर्स आ चुके हैं, सबसे पहले इनको सर्व करते हैं। मे बी तब तक मेरा पूरा लोन चुक ही जाएगा, मेरे को बस $32 पे करने। और हाँ हो जाएगा गाइज हो जाएगा, ठीक है $32 तो मिल ही जाएंगे। परफेक्ट ओके $9 कम ऑन जल्दी जल्दी जल्दी, मेरे को बस $32 दे दो, मेरा काम हो जाएगा। डन ओके $15 $25 आ गए। ओके यहाँ से थोड़े से और मिल जाएंगे गाइज, अपना काम तो हो गया, मैं पूरा लोन चुकाने वाला हूँ अभी। ओके अरे $29 आर यू सीरियस, बस $3 मेरे को और चाहिए। मास्टर लॉक है, इसको ओपन करने में भाई टाइम चला जाएगा। शिट 7 सेकंड्स बचे गए आखिरी के, मेरे पास अगर $3 और होते ना मेरा काम हो जाता। ये लोन की वजह से गुस्सा, मेरे को लगा ही था भाई गुस्सा हो गया भाई। और क्या हो गया, ओ फेल टू पे यू डेप्ट इन टाइम भाई, बहुत ओ बहुत गुस्सा हो गया। क्या हो रहा है, ओ माय गॉड गाइस गाइस जस्ट लुक एट दिस, मुझे लगा ही था मैंने लोन नहीं चुकाया, दैट्स व्हाई गुस्सा हो गया भाई। ओनली $3 मेरे को चाहिए था यार, मैं पूरा लोन चुका देता। और अभी आई थिंक यहाँ पे लोग चिल्ला रहे हैं भाई, ये फट रहा है, आई थिंक सारे लोग चले जाएंगे। आई एम सो सॉरी भैया, पहले तो वो अंकल जी आते थे हमारे मारने के लिए, और ये हो क्या रहा है, बट आई थिंक सारे कस्टमर चले जाएंगे। इधर कुछ हो गया क्या, मुझे आई थिंक ना गाइस इसको शांत करने के लिए आई थिंक यहाँ पे कुछ डालना चाहिए था। ओ शिट, यहाँ पे मैंने लास्ट वीडियो के पहले एपिसोड में मैंने यहाँ पे इसको मैं लैम्प की मैं यहाँ पे सैक्रीफाइस कर सकता हूँ, ठीक है लैम्प सैक्रीफाइस कर दिया, ये थोड़ा शांत हो जाएगा आई थिंक। ओके मुझे अलग अलग चीज़ें, ओके गाइस शांत हो गया वो। ओह तो यार हाँ यार मेरे पास ऐसे सामान तो था, मैं ओके मैं प्रोडक्ट्स भी इसको सैक्रीफाइस कर सकता हूँ, देखा। अरे भाई ये तो ठीक है, मतलब सैक्रीफाइस, अरे ओके ओके तो मैं गाइस इसको नॉर्मली प्रोडक्ट्स वगैरह भी सैक्रीफाइस कर सकता हूँ, जैसे कि अपना यू नो खाने का पीने का सामान। ओके उस तरीके से वो शांत हो जाएगा, बट अभी गाइस मेरे पास $0 है, तो अभी मेरे को ना पैसे कमाने पड़ेंगे, मे भी लोगों के कार से पैसे निकाल के ही कमाने पड़ेंगे। और वैसे भी हम लोग ना अभी नेक्स्ट एपिसोड में
हम लोग ना अभी यहाँ पे एक नया फ्यूल डिस्पेंसर और लगाएंगे, और ये वाला जो चैलेंज है बोट को फ्यूल करने का वो अपना कंप्लीट हो ही जाएगा। अभी बस मेरे को थोड़ा सा फ्यूल ऑर्डर करने का है, और ये फ्यूल का पैसा मुझे लग रहा है इधर से मुझे मिल ही जाएगा। यहाँ पे कुछ ट्रैफिक जाम हुआ है, चिल्ला रहे लोग। ओ भाई इतना बड़ा पत्थर, ओके ओके वो गुस्सा हो गया था आई थिंक, दैट्स व्हाई इतना बड़ा पत्थर यहाँ पे गिर गया है, इसको हटाना पड़ेगा। ओके आप लोग जा सकते हो। भाई क्या खतरनाक है ये। ओके ओके समझ गया मैं। तो गाइस चुनचुमानचू बहुत गुस्सा होता है, उसको हमको गुस्सा बिल्कुल होने नहीं देना। ये उसने यहाँ पे ये बड़े बड़े पत्थर फेंके, और वो जैसे गुस्सा हो जाता है ना हमको बस सैक्रिफाइस करनी है। वहाँ पे चीज़ है, मैं रैंडमली कुछ भी चीज़ें वहाँ पे लगा सकता हूँ, बट अभी मेरे पास ना बिल्कुल भी पैसा नहीं है। मेरे को अभी फ्यूल का पैसा कमाने के लिए यहाँ पे अभी ये लोगों के लॉकर से ऐसे पैसे निकालने पड़ेंगे। भाई देखो यहाँ से पैसे मेरे को मिल जाएंगे। तो गेमर्स दैट्स इट फॉर टुडेज एपिसोड। आई होप आपको आज का गैस स्टेशन टायर डिलीवरी का एपिसोड पसंद आया होगा। आज के एपिसोड में हमने स्कूबा डाइविंग, नया जो स्पोर्ट्स है या जो अपना नया स्टेशन है उसको हमने अनलॉक करा। अभी मुझे यहाँ पे भी नए इक्विपमेंट्स लगवाने पड़ेंगे स्कूबा डाइविंग के, जो कि अभी यहाँ पे नहीं है। तो ये सारी चीज़ें गाइस हम लोग ना नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। अभी ऑफ कैमरा में थोड़ा सा गेम को खेलूंगा, कुछ और पैसे कमाऊंगा, और फिर हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में इस गेम के अंदर और भी अपग्रेड्स लाएंगे, और मैं नए कस्टमर्स को नए एम्प्लॉयज़ को भी हायर करने की कोशिश करूंगा। अगर आपके कुछ सजेशंस हैं मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बता दो। यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा गंदगी हुई है, ये भी मेरे को साफ़ करना पड़ेगा। ओके मेरे को इससे अचीवमेंट वगैरह मिल रही है, अपना चुनचुमानचू भी इससे खुश हो जाएगा। ठीक है, सो आप मुझे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हो, वेबो गेमिंग इज़ माय इंस्टा आईडी। वहाँ पे आप मुझे आपके सजेशंस वगैरह बता सकते हो। तो अभी मैंने शॉप को क्लीन कर दिया, अभी थोड़ा सा कचरा उठाना पड़ेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ एपिसोड। फाइनल थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय गेमर्स।